खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी उमर खान की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेर नगरी चोपड़ राज खुशाब का इलाका बाजार के वडेरे ने गरीब किसान पर जुल्म के पहाड़ ढा दिए। गाड़ियों के कारोबार के सुहाने ख्वाब दिखाकर 21,70,000 रुपये हथिया लिए। गरीब किसान ने जब अपनी रकम वापसी का मुतालबा किया तो वडेरा मोहम्मद हयात जवाती टवाना गुस्से से पागल हो गया। थाना कचहरी में जलील करने और बच्चों के अगवा की धमकियां देने लगा। गरीब किसान की डीपीओ खुशाब और एसपी इन्वेस्टिगेशन सईदुल्ला खान नियाजी की तफ्तीश से मुतमईन, जबकि वडेरा मोहम्मद हयात चौथी टवाना मानने से इनकारी है। मैं मोहम्मद रमजान बिजार तुम ये रिक्वेस्ट करे सा कि एक वडेरा मरक मोहम्मद हयात चौथी टवाना मरक दोस्त बन गया। उस जनाब मेरे नाल लेन देन करना रहा, उसको मैं पैसे अमानत के भी रखता है, मैं रख देते 21,70,000 रुपये उसको रखा। जब उसको मुतालबा किया मैं पैसे वापस कर, उस 1,000 पैसे मैं ला छोड़े तो उस मैंने गड्डी के ट्रैक्टर के कागज़ दिए देखे स्टाम देख के दिता भाई कि मैं टाइम कुछ दिनों तो बाद पैसे दे सकते अपने कागज़ चाले से। जब मैं दोबारा उसको पूछा भाई मेरे टाइम आ गया तेरे पैसे दिए, उस मैं तो स्टाम तेरे लिख के को नहीं दिता न को मैं तेरे पैसे देने और हर कई फोरम से दरखास्त देने मैं तो शुरू कर दी। मैं जनाब मिट्टे टवाने दरखास्त हुई थाने में गई उ मैं आख्या स्टाम देख लो सर, अगर स्टाम जली तो बेशक मैं थे कार्रवाई भी करो तो मैं पैसे भी न ले सकता कागज दे सा। अगर मेरा स्टाम सच्चा मेहरबानी करके मेरे पैसे दिवाए मैंने बाद जनाब बागी ये चला गया बागी ये इन्वेस्टिगेशन एसएसपी सईदुल्ला खान न्याजी साहब ने की। उन्होंने वेख्या मैं नाल स्टाम जितने अंदराज है वो उस बाद स्टाम वाले भी वेरीफिकेशन ये नाल लेके गया और उन्होंने भी सारी भी वेरीफिकेशन करने के बाद मैं सच्चा साबित किया और मेरी पंजी तारीख सेशन अदालत में पेश होना। जनाब मैं डीपीओ खुशाब जगह रिक्वेस्ट करे सा तो मैं गरीब आदमी हाँ और इस वडेरे आदमी तू मैं बचाओ, इस मैं बढ़िया धमकियाँ दींदा तो मैं तेरे हर फोरम से गिले सा, मैं तेन तेरा वो हशर करे सा जरा तू याद रख से मेरे बच्चे धमकियाँ दींदा, मैं तेरे बच्चे उठा ले सा। ये बड़ा वड्डा आदमी जी और इस पता नहीं इससे होर भी FIR और बंदा ढेर सारे के पैसे देने आए। मैं गरीब आदमी हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे पैसे दिलवाए बने जनाब की बड़ी मेहरबानी हो सी। डीपीओ साहब तुम बड़े ईमानदार आदमी हो और मैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह तुम मेरी रिक्वेस्ट सुनो।